Hi everyone, this is Bharati Marguduma channel Dream Maths. तो starts के अंदर अपने chapter start कर रखा है, that is movements, units and cutuses. Super easy chapter है, आराम से हम सारे topics one by one कर रहे हैं. Movements वाला portion complete हो चुका है. आज हम start करने वाले हैं skewness. Super easy notebook, pen, pencil, calculator ले आओ. पहले तो हम skewness होता क्या है, positive skewness, second negative skewness, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे. Theory portion, फिर questions करेंगे. मेरे साथ साथ चीजें समझनी है, बस patience के साथ चीजें समझना. स्क्यूनेस का टॉपिक सुपर डुपर इजी है. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ये फिफ्थ पार्ट इस चैप्टर का, 1-4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आराम से जाके नोट्स बनाओ, प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट करो. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले पढ़ने वाले स्क्यूनेस होता क्या है. स्क्यूनेस सुपर इजी है. मैं पता जब से क्लास स्टार्ट हुई कितनी बार बोल चुकी हूँ सुपर इजी, क्योंकि लिटरली आपको बड़ा मजा आएगा टॉपिक करने में. स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि जहां सिमिट्री ना मिले, जहां पे सिमिट्री ना मिले उसको बोलते हैं स्क्यूनेस. स्क्यू है भाई, यहां पे सिमिट्री है ही नहीं. चलो देख लेते हैं. अब सिमिट्री का मतलब क्या होता है, हमें ना कुछ डाटा दिया गया, ठीक है, उन डाटा के पॉइंट्स को ड्रॉ किया, वहां एक कर्व बनाएगी. अब वो कर्व सिमिट्रिक है या नहीं डिपेंड करता है. अगर तो वो कर्व सिमिट्रिक हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कर्व सिमिट्रिक ना हुई तो वहां पर स्क्यूनेस पक्का होगा. तो वही सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. दोबारा बता रही हूं, अगर तो सिमिट्रिक हुई तो बहुत अच्छी बात है, सिमिट्रिकल हो गया, लेकिन अगर सिमिट्री नहीं हुई वहां पे स्क्यूनेस होगा. ध्यान से देखो, पहली जो कर्व बनी हुई है, यहां फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, यहां पे जो कर्व है इसकी देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, जैसे ये है वैसे ही ये है, तो ये सिमिट्रिकल कर्व है. लेकिन अगर आप सेकंड कर्व देखोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड इसकी राइट हैंड साइड देखो, क्या ये सेम शेप सेम है, नहीं ना, तो ये सिमिट्रिकल नहीं है. तो इसमें क्या मिलने वाली है आपको, इस कर्व में स्क्यूनेस मिलने वाली है, इसको स्क्यूनेस बोलते हैं. नेक्स्ट कर्व देखो, इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है, इट मींस इसमें भी क्या है, स्क्यूनेस है. तो जहां पे कर्व सिमिट्रिकल नहीं होती वहां पे स्क्यूनेस होती है, इसमें स्क्यूनेस नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये सिमिट्रिकल है. क्लियर होगी चीज. अब थ्योरी पढ़ते हैं, आराम से चीजें पढ़ेंगे. ये लाइन किस लिए है, यहाँ पे तीन लाइंस किस लिए है, आराम से एक एक करके चीजें पढ़ेंगे. लेकिन स्क्यूनेस तो समझ आया ना कि जहां सिमिट्री नहीं है वहां स्क्यूनेस होगी. स्क्यूनेस मींस अ लैक ऑफ सिमिट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमिट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे सिमिट्री नहीं है उसी को स्क्यूनेस बोलते हैं. आगे देखो, इन अदर वर्ड्स इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमिट्रिकल. और क्या बोल रहे हैं कि कर्व में अगर जो हमने कर्व बनाई है अगर वो सिमिट्रिकल नहीं है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी स्क्यूड और टू हैव स्क्यूनेस. तो हम कहेंगे ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या स्क्यूनेस है अगर इसमें सिमिट्री नहीं है. सिमिट्री का मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम शेप नहीं आ रही कर्व की, दोनों एक जैसी नहीं दिख रही, इट मींस वहां पे सिमिट्री नहीं होगी. तो पहला सिमिट्रिकल है, सेकंड और थर्ड में स्क्यूनेस है. ये चीज क्लियर आ गई है ना. स्क्यूनेस वर्ड से डर तो नहीं लग रहा, चले आगे चलते हैं. आगे चलते जाएंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव स्क्यूनेस. स्क्यूनेस भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर आप कर्व्स ध्यान से देखो, ये वाली जो कर्व है वो सिमेट्रिक है, इसमें एक ही लाइन है ना, एक लाइन, ठीक है. वो एक लाइन क्या कर रही है, पीक से एक लाइन नीचे लाए एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे. ये पॉइंट हमें मीन भी दे रहा है, मोड भी दे रहा है, मीडियन भी दे रहा है. सिमिट्रिकल के केस में एक ही पॉइंट तीनों चीजें देता है, क्योंकि सिमिट्री में तीनों वैल्यूज इक्वल होती है. सिमिट्रिकल में क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन, इसलिए यहाँ पे एक ही लाइन बनती है. आगे आ जाओ, पॉजिटिवली ये वाला जो फिगर है ना, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस का है. हमने पॉजिटिव स्क्यूनेस पढ़नी है ना, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए ही कर्व ड्रॉ की है. इसमें क्या होता है, इसमें जो राइट हैंड साइड होती है उसका टेल ज्यादा ऐसे बनाया जाता है, ये तो नॉर्मल है जैसे इसमें था, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसका टेल ज्यादा है, मतलब ऐसे स्ट्रेच्ड करके बनाया जाता है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, जहां पे राइट हैंड साइड स्ट्रेच करके चीजें बनाई जाती है. दूसरी चीज, इसमें जो है मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसमें स्क्यूनेस है तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है ना, तो इसमें मीन जो है मोड मीडियन तीनों इक्वल आपस में नहीं होते. फिर क्या वैल्यूज होती हैं, वहां पे एक लाइन थी मीन मोड मीडियन की, यहां पे थ्री लाइंस अलग अलग बना रखी है मीन मोड मीडियन की. ये फर्स्ट वाली जो राइट हैंड साइड से वो मीन की है, ये आपके पास मीडियन की है एंड थर्ड वाली मोड की है, ठीक है.
तो आप देखोगे इसके अलग अलग लाइन्स है, मतलब ये इक्वल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, जो मीन है वो क्या होता है, दैट इज सबसे बड़ा होता है, मोड मीडियन जो है बीच में आता है, एंड मोड सबसे छोटा होता है। देखो मीन सबसे आगे है ना, मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन, फिर यहाँ पे क्या है, मोड है। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में चीजें पता लगी। पहली चीज, इसकी राइट हैंड साइड स्ट्रेच्ड होती है। दूसरी चीज, इसमें मीन सबसे बड़ा होता है। बस ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहा जाता है। समझ आ गई चीज। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट और टू द सेंटर मैक्सिमम, अगर उसकी लॉन्गर टेल मतलब जो स्ट्रेच्ड है वो अगर राइट साइड में है, then to the left, left के comparison में the distribution is said to be skewed to the right or have positive skewness। अगर right side में ऐसे tail stretched है, उसको positive skewness कहा जाता है। यहाँ पे आप लिखोगे भी and also आप खुद notes में add करोगे and also here that is mean is greater than median is greater than mode। आप ये यहाँ पे खुद note down करोगे अपने notes में। Clear होगी चीज़, आपको PPT मिलेगी, PDF मिलेगी, वहां पे आप ये चीज ऐड कर लेना। समझ आ गई पॉजिटिव स्क्यूनेस। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव का उल्टा। उसमें राइट साइड स्ट्रेच था पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव स्क्यूनेस में लेफ्ट साइड स्ट्रेच्ड होता है। टेल जो बनी होती है वो लेफ्ट साइड बनी होती है। इट इज क्लियर होगी। पहला क्या है कि टेल कहां होगी, लेफ्ट साइड होगी। यहां पे भी थ्री लाइंस ऐसे लगी हुई है, इसका मतलब यहां पे भी मीन मोड मीडियन इक्वल नहीं है। स्क्यूनेस का मतलब यही है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है मतलब तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है मीन मोड मीडियन की। तो इट मींस यहां पे भी आपको तीन अलग अलग लाइंस मिलेगी मीन मोड मीडियन की। जिस तरफ स्ट्रेच्ड होता है ना, सबसे पहले वाला मीन होता है, जिस तरफ स्ट्रेच्ड होता है। यहां पे इधर स्ट्रेच था तो सबसे पहले इधर वाला मीन था। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेच्ड है तो सबसे पहले लेफ्ट वाला मीन होगा, सेकंड वाला क्या होगा मीडियन, थर्ड वाला क्या होगा मोड। इस केस में मीन सबसे पीछे है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है, मीन जो है लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। मीन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा मीडियन, और मीडियन से बड़ा मोड। ये आपको साइन समझ आते हैं ना, जिसकी तरफ ऐसे बंद होता है वो छोटा होता है। तो मीन इज लेस देन मीडियन, ये आपका नेगेटिव वाले केस में होता है। समझ आ रही चीज। तो दो चीजें याद रखनी नेगेटिव में, एक तो लेफ्ट साइड स्ट्रेच्ड होता है, एंड सेकेंड चीज मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। बस ये चीजें लिखी हुई है, देखो ध्यान से। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर मैक्सिमम, सेंटर मैक्सिमम कौन सा होता है, ये वाला। अगर इसकी लेफ्ट में हमारी जो टेल है वो मतलब स्ट्रेच्ड कर्व की, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव। आ देखो, देन टू द राइट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड टू द लेफ्ट, की वो लेफ्ट में स्क्यूड है, ये बोला जाता है, और टू हैव नेगेटिव स्क्यूनेस, या बोला जाता है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, द कर्व इज स्ट्रेच्ड टू द राइट हैंड साइड, पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है। इफ द कर्व इज स्ट्रेच्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड, उसको नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। आराम से अपनी लैंग्वेज में सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर लिखना, जैसे मेरे को लेफ्ट के लिए लिखना है, इफ द कर्व इज स्ट्रेच्ड टू लेफ्ट हैंड साइड as compared to the right hand side, then the curve is said to be have, that is negative skewness. As compared to, किसके comparison में बात कर रहे हो, दूसरी side भी जरूर बताना, ये आपके पास skewness होगी। तो जहां symmetrical curve नहीं होती, वो skewness होती है। दो तरह की skewness है, positive and negative, हमने पढ़ ली, है ना easy? आगे चलते हैं, बस आराम से चीजें समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। Next is test of skewness, हमें कैसे पता लगे कि कोई curve skewness उसमें है या नहीं है, क्या वो symmetrical है या स्क्यूनेस है, हमें कैसे पता लगेगा। पहला टेस्ट क्या है, द वैल्यूज ऑफ मीन मोड मीडियन डू नॉट कोइंसाइड। कहता है अगर आपको चेक करना है कि इसमें मतलब आपके पास सिमेट्री है या नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि वो मीन मोड मीडियन की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो कहता है अगर स्क्यूनेस होती है तो वहां पे जो वैल्यूज है मीन मोड मीडियन की डू नॉट कोइंसाइड, मतलब वो सेम नहीं होती। ये पहला टेस्ट है, जहां स्क्यूनेस होगी वहां पे मीन मोड मीडियन टकराएंगे ही नहीं, मतलब वो सेम नहीं होंगे, यहां से आपको पता लग जाएगा हाँ स्क्यूनेस। ये सारे पॉइंट्स हुए हैं कि कहां से पता लगे यहां स्क्यूनेस है कि नहीं, तो आप मीन मोड मीडियन की वैल्यू चेक करो। मान लो
आपके पास कर्व्स नहीं है तो आप उसकी मीन मोड मीडियन चेक कर लो, अगर वो सेम नहीं है तो वहां स्क्यूनेस होगी। तो पहला पॉइंट यही कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। और कैसे पता चले यहां पे कि स्क्यूनेस है, कहता है जो क्वार्टाइल्स की वैल्यू है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होगी किससे, मीडियन से। आप कहोगे मैम ये क्या बोल रहे हैं, देखो अभी हम ये प्रैक्टिकल चीज नहीं कर रहे हैं ना, हम कोई भी यहां मेजरमेंट या कुछ नहीं कर रहे, बट यहां पे आप ये समझ सकते हो कि क्वार्टाइल्स और मीडियन के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर सेम नहीं रहता, डिफरेंस सेम नहीं रहता, इट मींस वहां पे स्क्यूनेस होगी। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ आएगा। थर्ड पॉइंट देखो, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। जो सम है पॉजिटिव डेविएशंस का, डेविएशन का मतलब हमेशा होता है किसी वैल्यू में से कुछ माइनस करके डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर पॉजिटिव डेविएशंस देखी जाए मीडियन की और नेगेटिव डेविएशंस देखी जाए वो दोनों इक्वल नहीं आती। ये अगेन पॉइंट अभी हम प्रैक्टिकली नहीं करके देख सकते, बस मैं आपको चीजें बता रही हूं। मीन मोड मीडियन वाला तो आपको समझ आ गया कि जहां सिमेट्री था तीनों इक्वल थे, तो जहां सिमेट्रिक नहीं होगी वहां पे स्क्यूनेस होगी, लेकिन ये दोनों पॉइंट अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। सिर्फ आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि हां मैं सही बोल रही हूं। तो ये वर्डिंग लिखनी है कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जो नेगेटिव डेविएशन है मीडियन की, अगर वो इक्वल नहीं है पॉजिटिव डेविएशन के तो वहां पर आपके पास स्क्यूनेस होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेविएशंस फ्रॉम द मोड। आपने देखा कि कर्व की जो शेप है वो अलग-अलग हो रही है, इधर अलग हो रही है, इधर अलग हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसीज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि स्क्यूनेस है। ये चार पॉइंट्स आपको बता रहे होंगे। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब आपको ये चीज कहीं भी मिल गई तो वहां आपको मान लेना है कि वहां स्क्यूनेस होगी। लास्ट पॉइंट इज बट नॉट द लीस्ट, द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ सिमेट्रिकल बेल शेप। कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप नहीं होती अगर स्क्यूनेस होती है उसमें, बट इट इज अ स्ट्रेच्ड मोर टू द वन साइड देन टू द अदर। अभी आपने देखा पॉजिटिव में कहां स्ट्रेच थी, राइट हैंड साइड, नेगेटिव में कहां स्ट्रेच थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप उसकी फिगर्स भी देखो, शेप भी देखो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की, तो आप देखोगे वो प्रॉपर बेल शेप नहीं है, वो लेफ्ट या राइट साइड स्ट्रेच्ड है। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कर्व जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे स्क्यूनेस है, वहां पे सिमेट्री नहीं है। तो आपको क्या करा अभी आपने, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे पता लगे स्क्यूनेस है, ये पांच पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से करने, ठीक है। कोई दो तीन, जैसे ये वाला पॉइंट तो आपको अभी समझ आ रहा है, सेकंड ये वाला भी आ रहा है समझ, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भी अभी आपने देख लिया, सेकंड एंड थर्ड को अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, आगे चीजें आपको समझ आएंगी, पर ये चीजें सही है। चले आगे, चलो फिर देखते हैं। डेविएशन वर्ड से डरते नहीं, डेविएशन का मतलब होता है चेंज कितना है, उससे माइनस करके वैल्यू कितने, डेविएशन वर्ड से डरना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, हमने कहा जहां सिमेट्री नहीं है वहां स्क्यूनेस है। कितनी सिमेट्री नहीं है, थोड़ा सा हिला या ज्यादा स्ट्रेच्ड हो गया, कम स्ट्रेच्ड हुआ या बहुत ज्यादा ही वैल्यूज हिल गई, समझ आ रही चीज। तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का मतलब सिमेट्री से वैल्यू कितनी हिली है, कितने चेंजेस आए हैं, वो हम देखेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। देखो ध्यान से, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस इज टेल अस द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, पर कितना सिमेट्रिक नहीं है ये हमें बताएंगे स्क्यूनेस की जब मेजरमेंट करेंगे। दो चीजें इसमें करनी है, एक तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होती है और एक होती है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। ध्यान समझना, एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड रिलेटिव मेजरमेंट, एक एक करके दोनों कर रहे होंगे। पहले पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, समझ आ रही चीज। स्क्यूनेस की डेफिनेशन पढ़ी, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके टेस्ट पढ़ लिया, राइट। फिर उसके बाद हम देखा इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे चीजें मेजर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसमें है दो मेथड, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। पहले एब्सोल्यूट मेजर करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ना कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी एब्सोल्यूट मेजर में। आगे आपको समझ आएगा इसकी लिमिटेशन है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन इसकी थ्योरी, इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, पर इससे क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन हमेशा रिलेटिव मेजर से होते हैं, जो आज करवाऊंगी। पहले एब्सोल्यूट मेजर देख लेते, चलो देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर में। ध्यान से चीजें देखना, पहले सबसे पहले क्या आता है, देखो एब्सोल्यूट मेजर क्या कहता है, बहुत आराम से चीजें इसने बताई कि आपने देखा कि जो हमने कर्व्स बनाई, ठीक है, सिमेट्रिक में एक लाइन थी और बाकी जो स्क्यूनेस थी उसमें तीन तीन लाइन थी, ठीक है,
उसने उसी को ही उठा के अपनी ऑब्जर्वेशन दी एब्सोल्यूट मेजरमेंट निकालने के लिए. देखो कैसे, फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन टेंड्स टू लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द मोड एज द लॉन्ग टेल. वो कह रहा है जहां पे आपने स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखी, मतलब जहां पे सिमेट्रिक नहीं थी, आपने देखा कि जो हमारा मीन है वो कहां लाए कर रहा था, जहां पे हमारी वैल्यू स्ट्रेच थी. अगर राइट साइड स्ट्रेच है तो मीन राइट साइड खड़ा था, अगर लेफ्ट साइड स्ट्रेच है तो लेफ्ट साइड खड़ा था. तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, ठीक है. आगे देखो, द मोर द मीन अवे फ्रॉम द मोड द ग्रेटर इज द डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री. हमें तो मोड मीडियन मीन मोड मीडियन इकट्ठे चाहिए, अगर एक दूसरे से दूर होंगे मतलब उतनी ही हमारे पास स्क्यूनेस है. तो वो यही कह रहे हैं कि जितना मीन मोड से मीडियन से दूर होगा उतना वहां पे हमें सिमेट्री से दूर लेके जाएगा. आगे देखो, दस मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन बी सप्लाइड इन एब्सोल्यूट टर्म्स बाय द डिफरेंस. तो उसने कहा कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज मीन माइनस मोड. अभी हमने कहा ना कि मीन जितना दूर होगा मोड से, मीन जितना दूर होगा मीडियम से उतनी वहां सिमेट्री मिलेगी, मतलब उतनी वहां स्क्यूनेस होगी. तो एब्सोल्यूट मेजर ने क्या कहा कि स्क्यूनेस का मतलब फिर तो यही होना चाहिए कि मीन मोड से कितना दूर है. स्क्यूनेस का मतलब तो यही होना चाहिए कि मीन मीडियम से कितना दूर है. दोनों से हम निकाल सकते हैं स्क्यूनेस, है ना, क्योंकि सिमेट्री वाले में तो तीनों एक ही साथ है ना. अगर वो एक साथ नहीं है तो स्क्यूनेस होगा. कितनी स्क्यूनेस है वो ये देख लेते हैं कि वो एक दूसरे से कितना दूर है. तो स्क्यूनेस का मतलब मीन माइनस मोड, और स्क्यूनेस का मतलब या फिर मीन माइनस मीडियन भी हो सकता है. ये चीज क्लियर हो गई पक्का. अब आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस तो अच्छे से समझ आई. आपको कर्व से भी देखना आ गया कि लेफ्ट साइड बड़ा हुआ है तो नेगेटिव होगा, राइट साइड बड़ा हुआ है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा. ये बात भी आपको समझ आ गई. दूसरी चीज आपको भी पता लग गई कि मीन मोड मीडियन किसमें ज्यादा होता है. पॉजिटिव में मीन सबसे ज्यादा होता है, नेगेटिव में मोड सबसे ज्यादा होता है. ये सारी चीज आपको समझ आई ना. कंफ्यूज मत होना, मैं ये बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रही हूं अगर पीछे आपने ये चीजें नोटिस अच्छे से नहीं करी. अब नोटिस करो, जो बोल रहे हो उसको अच्छे से समझ लो. अगर आपको लगता है पीपीटी बाद में पीडीएफ बाद में मिल जाएगी, जो मेन मेन पॉइंट्स है जो मैं यहां लिख रही हूं वो नोट डाउन करना चाहते तो कर लो, क्योंकि जो मैं इसमें पीडीएफ में नहीं लिख के लाई वो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपको क्लास में समझाते समझाते मुझे चीजें बतानी है, तो आप वो साथ साथ नोट कर सकते हो. आगे आ जाओ, तो आपको कर्व से देखना तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव. अब ध्यान से देखना, मीन माइनस मोड है इसका फॉर्मूला, ठीक है. मान लो अगर मीन जो है वो बड़ा है मोड से, मीन क्या है मोड से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव. अगर मीन मोड से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव. इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस. आपको उससे तो देखना आ गया फिगर से कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें, फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन को मोड से बड़ा होना पड़ेगा. फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन क्या होता है मोड से बड़ा. लेकिन अगर मीन मोड से छोटा हुआ तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव. तो फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए क्या होगा, दैट इज मीन जो है वो लेस देन क्या होगा मोड. मेरी बात ध्यान समझो, अगर मीन मोड से छोटा है, छोटे में से कोई बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, 3 - 5 -2 नेगेटिव आंसर आएगा ना. नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है नेगेटिव स्क्यूनेस. तो अगर मीन मोड से छोटा हुआ तो नेगेटिव स्क्यूनेस मिलेगी. ये चीज क्लियर है. तो फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए मीन मोड से बड़ा होगा, फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस मीन जो है मोड से क्या होगा छोटा. ये चीज क्लियर है. तो यहाँ पे एक लाइन ऐड करना यही नोट्स के साथ, फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगा, या फिर लिखो स्क्यूनेस इज पॉजिटिव इफ यहाँ पे मीन क्या होगा बड़ा होगा मोड से, ठीक है. एंड स्क्यूनेस इज नेगेटिव इफ जो मीन है वो क्या होगा छोटा होगा मोड से. ये चीज क्लियर आ गई होगी, ये चीज क्लियर पक्का. अब एक बात बताओ, जब फिगर से पॉजिटिव नेगेटिव समझा था तो भी तो मैंने ये कहा था कि पॉजिटिव के केस में मीन सबसे बड़ा होता है. तो देखो पॉजिटिव के केस में मीन बड़ा है ना मोड से, नेगेटिव में मैंने क्या कहा था मीन सबसे छोटा होता है. देखो नेगेटिव के केस में मीन छोटा है ना मोड से. तो चाहे आप फिगर से चीजें समझो चाहे आप फॉर्मूला से चीजें लिखो, सेम चीज रहेगी कि मीन पॉजिटिव के केस में सबसे बड़ा रहता है एंड मीन नेगेटिव के केस में सबसे छोटा रहता है. तो ये लिखने के बाद आप नीचे लाइंस ऐड करोगे, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड एंड
ट्रूनेस इज नेगेटिव इफ मीन इज लेस देन मोड. और ब्रैकेट में यहाँ पे मीन जो है वो आप लेस देन मीडियन भी लिख देना, सॉरी ग्रेटर आएगा ना पॉजिटिव के केस में, मीडियन के केस में भी सेम होता है, अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. ब्रैकेट में यहाँ पे मीन लेस देन मीडियन, जैसे मोड के लिए लिखे ब्रैकेट में सेम मीडियन के लिए लिख देना, सफिशियंट है. इसके बाद ये चीज ऐड कर देना. ये चीज क्लियर होगी पक्का? चले अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जो मेजरमेंट है एब्सोल्यूट मेजरमेंट है वो कैसे काम करता है. एब्सोल्यूट मेजरमेंट ने ये हमें फॉर्मूलाज दी. आगे चलते नेक्स्ट इज व्हेन स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स. वो किसके ऊपर बेस्ड है जो स्क्यूनेस के फॉर्मूला निकाले, मीन पे, मोड पे, मीडियन पे. लेकिन हम स्क्यूनेस क्वार्टाइल से भी निकाल सकते हैं. फॉर्मूला इज Q3 प्लस Q1 माइनस मीडियन. Q3 प्लस Q1 माइनस मीडियन ये इसका फॉर्मूला है. ये हमने एसच यूज नहीं करना, मैंने कहा है एब्सोल्यूट मेजरमेंट के क्वेश्चंस हमें एसच नहीं करने, बस इसका थ्योरी पोर्शन है जो आपको नोट डाउन करना है अभी. Q3 प्लस Q1 माइनस मीडियन, इसमें कोई दिक्कत, यहां पर 2 आएगा, 2 यहां पे मिसिंग है. Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ये हमारे पास आ गया. तो हमने स्क्यूनेस एब्सोल्यूट निकालनी सीख ली. पहले तो हमने कौन सा सीखा, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन, एंड क्वार्टाइल के बेसिस पे कैसे निकालते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, वो भी सीख ली. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस के क्वेश्चन करने ही नहीं, ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है. क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके पास एक ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है, इसमें यूनिट्स इन्वॉल्व होती है. यहां पर जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वहां पे यूनिट्स आएंगे, जैसे हम यूनिट्स लगाते हैं ना हर चीज के साथ, इसमें यूनिट्स होती है. इसलिए इसके क्वेश्चन हम नहीं करते. हम ऐसे मेथड पे काम करेंगे जहां यूनिट्स ना हो, लेकिन एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स में यूनिट्स रोल प्ले करती है, इसलिए हम इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करते. देखो कैसे, स्क्यूनेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज मेजर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी हमारे पास डाटा होता है उनकी यूनिट्स इन्वॉल्व होती है यहां पे, अगर हम स्क्यूनेस मेजर करें, इसलिए हम ये वाला मेथड नहीं लेते. एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. अगर मेरे पास एक डाटा है दूसरा डाटा है, दोनों डाटा की यूनिट्स अलग अलग है, तो मैं उनको कंपेयर नहीं कर पाऊंगी. तो इसलिए यहां पे इस मेथड से स्क्यूनेस नहीं निकाल जाती, क्योंकि इस मेथड में यूनिट्स हमारी इन्वॉल्व होती है. समझ आ गई चीज? तो ड्रॉबैक सिंपल सा क्या है, सिंपल से वर्डिंग बताऊं, यहाँ पे यूनिट्स ना बहुत मतलब यूनिट्स रोल प्ले करती हैं. तो अगर दो डाटा निकालूं अगर उनकी यूनिट्स अलग अलग होंगी तो वो कंपेरेबल नहीं होंगे. तो ये वाला मेथड हम ऑप्ट नहीं करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस. फिर कौन सा करते हैं, फिर हम करते हैं दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हमने न्यूमेरिकल करने हैं, इसी के हमने क्वेश्चन करने हैं. लेकिन स्क्यूनेस का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा थ्योरी से रिलेटेड, व्हाट इज स्क्यूनेस और उसके बारे में चीजें बतानी है, तो मैंने जितना अभी तक थ्योरी वाला पोर्शन कराया वो आपको लिखना पड़ेगा. चलते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पे. नेक्स्ट देखो, रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, ध्यान समझना, ये मेजर्स में यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. दीज मेजर्स आर प्योर नंबर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स. ये प्योरली नंबर्स पे डिपेंड करती है, कहीं आपको यूनिट्स देखने को नहीं मिलेगी. एंड कैन बी यूज टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन. दो डिस्ट्रीब्यूशन को इजिली कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए हम इसको इससे क्वेश्चंस करेंगे, इससे काम करेंगे, दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. आगे चलते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या है, ये चार टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लो. आने वाली 3 से 4 क्लासेस में हम इनको ही कवर कर रहे होंगे. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, नेक्स्ट देखो बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड मोमेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे होंगे. करें फिर आगे काम पक्का. देख लो यहां तक सारा क्लियर हुआ, क्लैरिटी भी कैसे कैसे हम स्क्यूनेस में आगे बढ़े. अब हम सबसे पहले जो रिलेटिव मेजर्स में स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. क्या स्टार्ट करने वाले, हैशटैग फर्स्ट मेथड ऑफ रिलेटिव, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. मेरे साथ साथ बोलो, नाम याद हो जाएगी. चलते हैं फिर आगे, आगे चलते हैं. ये क्या ब्लैंक शीट, ब्लैंक शीट का मतलब हम भी अभी ऐसे ब्लैंक है. अगर जब तक हम ऐसे ब्लैंक रहेंगे हम कार्ल पियर्सन आगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. कार्ल पियर्सन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हमें अच्छे से आनी चाहिए, कुछ चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए जो आज हम समझेंगे. ध्यान से समझो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितनी टाइप की हमारे पास सीरीज होते हैं, जल्दी से बताओ. जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तो भी मैंने करवाया था इंडिविजुअल सीरीज. नेक्स्ट कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज. और सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, कॉन्टिन्यू सीरीज. होती है कि नहीं,
होती है तीन सीरीज, इसके आपको मीन के फॉर्मूलाज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मैंने करवाए हैं, बिल्कुल जल्दी से बताओ मीन क्या होता है। समीशन एक्स बाई एन, समीशन से डर नहीं लगता साहब, किससे डर लगता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। समीशन का मतलब क्या होता है, दैट इज कुछ भी वैल्यू ऐड करना। अगर x 1 2 है, समीशन x का मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3। समीशन का मतलब सिंपल ऐड करना होता है, किसकी वैल्यू ऐड करना है वो समीशन के अंदर लिखा होता है। समीशन x का मतलब x की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मीन के बाद इसका डिस्क्रीट का क्या है, समीशन एफ एक्स बाई एन, और यहाँ पे क्या है, सेम समीशन एफ एक्स बाई एन, पर यहाँ पे x मिड वैल्यूज होते हैं, ये अच्छे से हम समझ चुके हैं, मूवमेंट्स में भी हमने कर लिया है ना, x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हमने सीखना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, क्या सीखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले, बहुत ध्यान से चीजें समझना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे अगर ये पेज अच्छे से समझा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ध्यान समझना, पहले तो अंडर रूट आता है, ठीक है, यहाँ समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन आता है, माइनस समीशन आता है एक्स बाय एन। देखो ये वाला फॉर्मूला तो मीन वाला ही है, यहाँ पे तो समीशन x बाय मीन वाला ही लगा, यहाँ पे आता है समीशन x स्क्वायर बाय n, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, अभी रुक जाओ पहले देख लो, फटाफट नोट ना करो पहले समझ लो, यहीं पे रहेगी सारी चीजें। ये लो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये भी क्या है, समीशन डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब फ्रिक्वेंसी होगी इसमें, है ना, लिख देते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा बस f डालते जाओ, समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय n माइनस समीशन एफ एक्स बाय n, बस सेम फॉर्मूला f आ जाएगा समीशन के अंदर, यहाँ पे भी रूट सेम फॉर्मूला रहता है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय n माइनस समीशन एफ एक्स बाय n, यहाँ पे स्क्वायर्स आएंगे, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या आएंगे, स्क्वायर्स, मैं कहूँ इतना सिंपल सा फॉर्मूला क्यों लग रहा है, स्क्वायर आएंगे, ये है एफ एक्स स्क्वायर। अब मैं देखो मैं करना भी बताऊंगी क्वेश्चंस, पहले ध्यान से चीज समझ लो, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस आएगा बीच में, ये आपके ब्रैकेट के साथ थोड़ा हो गया, ये लो माइनस समीशन एक्स बाय एन का स्क्वायर, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ, ये होल स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला है, ये सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए बुक में, आपका यू वाला आई एच कोई भी फॉर्मूला लग रहा है, डोंट वरी, इन क्वेश्चन और इन फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इसको अच्छे से अप्लाई करना आ गया, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला, कुछ एक्स्ट्रा चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आने चाहिए। आज हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के जितने क्वेश्चन करने वाले हैं वो इससे हो जाएंगे, तो अच्छे से नोट डाउन करके लर्न कर लो, माइंड में चीजें बिठा लो, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं चाहिए इनके अलावा। करते हैं स्टार्ट, देखो अभी कहा क्या किया हमने, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बस नाम सुना है, इनसे जान पहचान नहीं हुई हमारी, अभी सुन लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को आप किससे डिनोट करोगे, एस के पी से डिनोट करोगे, दोबारा बता रही हूं, एस स्क्यूनेस के लिए, कार्ल के लिए के पी नीचे आप इससे डिनोट करते हो, इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, देखो अगर आपको स्क्यूनेस निकालनी है, मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, एस के पी इज इक्वल्स टू, ध्यान समझना, दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको बता दिया, मीन का फॉर्मूला आपको बता दिया, आज के क्वेश्चन में हमें मोड नहीं निकालना पड़ेगा, मोड ऑलरेडी दिया होगा इसलिए उसका फॉर्मूला नहीं बताया, अभी आराम आराम से चीजें समझेंगे, एक साथ सारे फॉर्मूला दे दूंगी ना तो आपको भी इतने सारे लर्न करने, नहीं बस आज की चीज में देखो हमें मीन चाहिए होगा, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन में कुछ चीजें दी होंगी कुछ हम निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और फॉर्मूला है दैट इज एस, यही सेम का, दैट इज थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी जहां मीडियन दिया होगा ये फॉर्मूला यूज करूंगी, जहां पे मोड दिया होगा वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कहीं पे भी आपको मिल जाए ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो या फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, यही दो मेथड यूज करने, ये चीज क्लियर है पक्का, चले आगे देख लो कोई दिक्कत है। एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पे अगर मीन मोड से बड़ा हुआ, ध्यान समझना, मीन क्या हुआ, मोड से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी,
ये चीज समझ आई कि नहीं? आगे देखो, यही अगर मीन मोड से छोटा हुआ, ठीक है, तुम्हारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा? नेगेटिव। कोफिशिएंट नेगेटिव का मतलब क्या है? दैट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। हमने जब कर्व्स देखी तो भी ये चीज नोटिस करी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस तभी आते हैं, या फिर पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन क्या होता है? बड़ा होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन क्या होता है? छोटा होता है। यहां पे भी देखो, जहां पे पॉजिटिव स्क्यूनेस हो गए वहां पे मीन क्या होगा? बड़ा। जहां पे नेगेटिव स्क्यूनेस होगा वहां पे मीन क्या होगा? छोटा। तो चाहे आप कर्व से देखो, एब्सोल्यूट में भी यही देखा हमने, रिलेटिव के कार्ल पियर्सन में भी यही देखा कि पॉजिटिव के केस में मीन बड़ा होता है, नेगेटिव के केस में मीन छोटा होता है। यहां पे आप मीन मोड है ना, ब्रैकेट में मीन और मीडियन भी लिख दो तो दोनों के लिए वो चीज एप्लीकेबल जाते हैं कि मीडियन के साथ भी सेम चीज है कि मीन अगर मीडियन से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, मीन अगर मीडियन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। ये आप ब्रैकेट में साथ लिख देना, जो भी फॉर्मूला हम करते जाएंगे साथ साथ लिखते जाएंगे। इफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड दैट इज कोफिशिएंट विल बी पॉजिटिव इंप्लाइज पॉजिटिव स्क्यूनेस, इफ मीन इज लेस देन मोड दैट इज कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव इंप्लाइज नेगेटिव स्क्यूनेस। बस ये आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर्मूला क्लियर हो गया कार्ल पियर्सन का? आगे चलते हैं। नाउ हम एक और नोट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना। बात कर ली कि मीन बड़ा है मोड से, मीन छोटा है मोड से, मीडियन की भी बात होगी, लेकिन अगर मीन मोड मीडियन इक्वल हो, ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट कितना होगा? मीन मोड इक्वल है मतलब सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को माइनस करते तो आंसर कितना आता है? 0। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, सेम वैल्यू को माइनस करें आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब अगर मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं तो हमारा कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन मीन मोड मीडियन कब इक्वल होते हैं? जब सिमेट्री हो। तो जब क्या हो? सिमेट्री। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, तो हमारा कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब है कि वहां सिमेट्री होगी। क्यों? कोफिशिएंट जीरो का मतलब क्या है? कि मीन मोड मीडियन इक्वल होंगे। मीन मोड मीडियन इक्वल होने का मतलब क्या है? सिमेट्री। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन थे, लेकिन आपने इन तीनों को कंबाइन करके एक चीज बना दी कि जब जब कोफिशिएंट जीरो होगा इट मींस वहां पे सिमेट्री होगी। ये चीज समझ आई कि नहीं? आराम से एक बार और एक्सप्लेन कर दू फटाफट से, जल्दी से। पहले देखो, मीन अगर मोड से बड़ा है तो वहां पे पॉजिटिव होता है, या फिर आपको पॉजिटिव है तो मीन मोड से बड़ा होगा। आप इससे ये भी कह सकते हो और इससे ये भी बन जाएगा। अगर आप कह रहे हो ना कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है, तो माइंड में लगा लो, मतलब बता लो कि वहां पे ना मीन मोड से बड़ा होगा। अगर कोई आपको कह रहे है मीन मोड से बड़ा है, फिर भी माइंड में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। आगे आ जाओ, कोई आपको कह रहा है नेगेटिव स्क्यूनेस है, अच्छा नेगेटिव है, रुक जा, मीन छोटा होगा पक्का, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मीन छोटा है यार, तो आपको हाँ नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। एक दूसरे से आप कनेक्ट कर जाओ, ये बता रहा है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, कोई ये बता रहा है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए। कोई कह रहा है सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब है कार्ल पियर्सन जीरो हो रहा होगा, या फिर अगर आपको किसी ने कह दिया कार्ल पियर्सन जीरो है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सिमेट्री की बात कर रहा है। ये एक बताओ, दूसरा अपने आप अपना आपके माइंड में चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बारे में दो तीन चीजें हैं। पहला क्या कह रहे हैं? डिपार्चर फ्रॉम जीरो विल इंप्लाई द एक्सटेंट ऑफ एसिमेट्री। डिपार्चर फ्रॉम जीरो का मतलब क्या है? अभी आपने देखा कि अगर सिमेट्री को होता है तो क्या होता है? जीरो। अगर जीरो नहीं है इट मींस वहां पे स्क्यूनेस है ना। अगर सिमेट्री है तो क्या होगा? जीरो। जीरो नहीं है तो क्या होगा? स्क्यूनेस होगा। तो ये कह रहे हैं कि जीरो से जितना जितना दूर जाएगा वो कहां जाएगा? एसिमेट्री की ओर जाएगा, अगर जीरो से दूर जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम जीरो का मतलब एसिमेट्री। आगे बताओ, पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस। अभी आपको समझाया पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव कोफिशिएंट है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ये चीज क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्यूनेस का, और इतना ईजी आराम से कर लोगे। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन कितना दिया हुआ है? दैट इज 3.41। मीडियन कितना दिया हुआ है? दैट इज 3.4। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दिया हुआ है?
0.70. हमें क्या निकालना है, दैट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या है, s दैट इज k एंड p. फॉर्मूला देखो, मीन दिया हुआ और मीडियन दिया हुआ है, मोड नहीं दिया हुआ. हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक मीन मोड वाला, एक मीन मीडियन वाला. तो हम मीन और मीडियन दिया गया, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. याद आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, कौन से फॉर्मूला लिखवाए थे. देखो एक हमारे पास आया नहीं क्या, हाँ एक हमारे पास मीन और मोड वाला फॉर्मूला है, एक मीन और मीडियन वाला. ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड. हमें क्वेश्चन में सेकंड फॉर्मूला चाहिए, हम सेकंड यूज करके फटाफट से अपना आंसर निकालेंगे. जल्दी से करते हैं. क्या आएगा, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन कितना आ जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.41, मीडियन की 3.4, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.70. ये आपने ऐसे बंद कर दिया. अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, राउंड ऑफ करते चीज चलेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो. 3.41 फटाफट से करो, माइनस 3.4 जल्दी जल्दी करो मेरे साथ. 11 पॉइंट मैंने प्लस कर दिया क्या, रुको. 3.41 माइनस 3.4 आंसर आ रहा है 0.01. 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.70. बहुत सिंपल है, आपके पास 0.01 ऑलरेडी कैलकुलेटर पे आया हुआ है. इंटू 3 कर दो, 0.03 ऑलरेडी कैलकुलेटर पे आया हुआ है, उसको डिवाइड कर दो, 0.70. आंसर इज 0. दैट इज आंसर यहाँ लिख रही हूँ 0.042. यहाँ पे लिख रही हूँ 9. बहुत ध्यान से चीज समझना, मैं 4 डिजिट तक लिख रही हूँ, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट, जैसे मर्जी लिख दो. मैं 4 डिजिट तक आंसर लिख रही हूँ पॉइंट के बाद. मेरे पास 8 के बाद 5 है, 5th टू, देखो मेरे पास आंसर ही आ रहा है यहाँ पे 8, 5, 7. आपको राउंड ऑफ करना आता है तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले समझो जिनको राउंड ऑफ करना नहीं आता. तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आंसर है, 7 आगे 1, 4, 2 ऐसे आ रहे हैं. मेरे को 4 डिजिट तक ही चाहिए, तो 4 डिजिट ये है, ठीक है. अगर देखो कि क्या वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, हाँ जी वो 5 है, तो इसमें एक बढ़ा दो, 0.0429. इसको बोला जाता है दैट इज राउंड ऑफ करना. ये भी चल जाएगा 0.042, जो आपकी बुक में आंसर हो चल जाएगा. मैंने 4 डिजिट तक निकाल दिया, ये बुक में आंसर है तो ये भी चलेगा. कोई ये नहीं कि 4 तक ही निकालना है, एक्यूरेसी रहती है 4 तक. तो आंसर इज 0.0429. ये इसका क्या है, कोफिशियंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशियंट. बताओ है कोई दिक्कत, मुश्किल है, ईजी है ना. चले आगे, ये जिनको नहीं आता राउंड ऑफ करना प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बहुत बार राउंड ऑफ करूंगी. अगर नहीं आता तो मैं समझा दूंगी, बट अगर आप पूरा चैप्टर देखते आ रहे हो अच्छे से तो आपको राउंड ऑफ करना आता होगा. नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300. सम का मतलब क्या होता है, सम है कितनी ऑब्जर्वेशंस का सम है, 20 ऑब्जर्वेशंस का सम. तो n कितना हो गया, 20. सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन कितनी, 20, तो n 20 हो गया. इस 300, सम का मतलब समीशन, ऑब्जर्वेशंस को x ले लेते हैं, तो सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 300, मतलब समीशन x मेरा 300 है. ये बात समझ आई, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस इतने से कॉमा से पहले जो लिखा था n मिल गया, समीशन x मिल गया. इट्स सम ऑफ, सम का मतलब समीशन, किसका समीशन, स्क्वेयर्स का. तो x स्क्वेयर समीशन, सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 5000, मतलब समीशन x स्क्वायर कितना है, 5000. सम से हमें समीशन पता लगा, किसका सम, अगर ऑब्जर्वेशन था समीशन x, सम ऑफ स्क्वेयर्स है तो उसी x का स्क्वेयर, तो समीशन x स्क्वायर मेरे पास कितना है, 5000. एंड मीडियन इज 15, मीडियन कितना दिया हुआ है, दैट इज 15. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट चाहिए स्क्यूनेस का, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए, मतलब s, ये चाहिए मुझे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने अभी नहीं बताया, अभी बताऊंगी इसका फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को cv से लिखते हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है. समीशन x, समीशन x का मीडियन दे दिया, ठीक है. अब एक चीज ध्यान समझना, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए, मुझे मीडियन दिया हुआ है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगी, होता है मीन माइनस 3 आगे होता है मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. मेरे पास मीडियन है ना, मेरे पास मीन है ना, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है. फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला लिख देती हूं, अभी आपको लर्न नहीं होगा ना तो ऐसे मेरे बोलने पे समझ नहीं आएगा. ये फॉर्मूला है, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है. बिल्कुल मीडियन तो है, लेकिन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये दोनों नहीं है, तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, निकलेगा क्योंकि हम पहले मीन और
स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। पहले मीन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रखी, मतलब इंडिविजुअल सीरीज ही चल रही है। मीन का फॉर्मूला समीशन x बाय n, समीशन x कितना है 300, n कितना है 20, मेरे पास मीन कितना आ गया 15। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। आगे क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान से चीजें समझते जाओ और आराम से करते जाओ। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करेंगे, देखो पेपर में भी ना पहले ये फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखने के बाद मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और एंड में इस फॉर्मूला में पुटिंग कर दो, यहाँ पे 1 डाल दो। समझ आई चीज, पहले फॉर्मूला लिखो फिर जो जो उसमें मिसिंग है निकाल लो, एंड मीन में वैल्यू डाल देना। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला किया था, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर पहले ही दिया हुआ है, दैट इज कितना 5000 दिया हुआ है, अपॉन एन, एन कितना दिया हुआ है 20, माइनस समीशन एक्स बाय एन। समीशन एक्स बाय एन आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो मीन में, है ना, क्या वैल्यू थी 15, तो यहाँ पे सीधा 15 डाल दो। आप समीशन एक्स लिखोगे 300, एन लिखोगे 20, आंसर 15 याद है। अगर आपने मीन कैलकुलेट किया हुआ है वही होता है ये समीशन एक्स बाय एन, देखो यही फॉर्मूला तो है, तो आप अपना मीन वाला आंसर यहाँ डाल दो टाइम सेविंग के लिए। ये क्या बनेगा, दैट इज 250 माइनस 225, दैट विल बी रूट 25, रूट 25 इज 5, तो मीन मेरे पास 15 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ गया, वैल्यू फॉर्मूला में डालूंगी मुझे मिल जाएगा कोफिशिएंट। ये चीज क्लियर है, पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान से चीजें समझना, ये सब निकालने के बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। कैसे, अब आप लिखोगे ये फॉर्मूला चाहे दोबारा लिख दो, ये कैलकुलेट करने के बाद दोबारा ये फॉर्मूला लिख दो, फिर यहां लिखोगे दैट इज 3, मीन की वैल्यू वहां बॉक्स में डाली होगी ना आपने ऐसे लिख के, मीन की वैल्यू लिख देना दैट इज 15, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बॉक्स में डाल देना दैट इज 5, यहाँ पे लगा देना स्टार, यहाँ पे लगा देना डबल स्टार, फिर यहाँ लिख देना यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार, कि हमने स्टार एंड डबल स्टार में पहले ही वैल्यू निकाल ली, जस्ट वहां से यहाँ पुट कर रहे हैं। मीन कितना निकाला था 15, मीडियन भी कितना है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला था 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया 0। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पूछा नहीं गया क्वेश्चन, बट पूछा जा सकता था कि किस तरह का ये है, सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव स्क्यूनेस किस तरह की है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप कहोगे मैम अगर मीन और मीडियन इक्वल आ ही गए थे तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाला, ऊपर से ही पता लग रहा है जीरो आ रहा है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की क्या जरूरत थी। आपने बताया तो था कि जहां पे मीन और मीडियन इक्वल आ जाए वहां पे जीरो आता है आंसर, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन करना था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला है। अभी आप कहोगे मैम हमें कैसे पेपर में याद रहेगा, सब याद रहेगा, अभी पहली बार ये चीजें देख रहे हो, टाइम लगता है लेकिन चीजें बहुत अच्छे समझ आएंगी। पहले यहाँ पे एक बार अच्छे चीजें समझ लो, एक बार रिवीजन करोगे, पेपर के लिए पढ़ोगे, बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अब कब क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तो चीज क्लियर होगी ना। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सीवी लिखते हैं, फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कई बुक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखा जाता है, नीचे मीन इनटू 100, दोनों ओके है, एसडी लिखो या सिग्मा लिखो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 5, मीन कितना था 15 इनटू 100, यहां वैल्यू हो जाएगी 100 बाय 3 आ जाएगा 33.33%, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर है पक्का, दो क्वेश्चन कर लिए और डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना दिया हुआ है दैट इज 50, मतलब मुझे जो एक्स बार दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, मोड कितना दिया हुआ है दैट इज 44, और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी दिया हुआ है, मतलब मुझे कोफिशिएंट भी दिया गया 0.4, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सुपर इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है इसका, दैट इज मीन माइनस मोड, मोड वाला यूज करना है ना, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी है ये भी ये भी, ये आप निकाल लोगे, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। कैसे आंसर दोगे, फर्स्ट लिख के आगे आंसर लिख देना, मैं समझ आऊंगी, यही फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क वाला है, समझ आऊंगी, फर्स्ट लिख के इसका आंसर लिखना, जल्दी से करोगे ना पक्का, यही पॉज करके करो, बाद में नहीं होगा। यहाँ वैल्यूज डालो, ये कितना है 0.4, ये मीन कितना है
दैट इज 50 माइनस 44 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सारी कैलकुलेशन करके मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट लिख के आगे आंसर लिख दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर अ मॉडरेटली, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान समझना। Skewed distribution of retail price of men's shirt, it is found that the mean price is 200. Mean कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। उसने बोला ना mean price, हम अपने काम की चीज निकालते हैं, mean price 200 है, and median price is 170. Median price कितना है? 170. यहाँ पे proper लिखते रुको एक सेकेंड, x bar कितना दे रखा है हमें, that is 200, और हमारे पास median कितना दे रखा है, that is 170. Next देखो, if the coefficient of variation is 20%, coefficient of variation है, ध्यान से, skewness नहीं है, वो कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, find the Pearson coefficient of skewness of the distribution, मुझे ये coefficient निकालना है, clear होगी चीज। अब थोड़ा सा माइंड में देखो, मुझे इसके लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, मुझे मीडियन दिया गया है, मतलब मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। वहाँ मीन चाहिए होता है, मीडियन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। मीडियन है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सीवी दिया हुआ है ना, मतलब कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, समझ आई चीज़। जिसको अच्छे से फॉर्मूला आगे ठीक है, नहीं तो रफली लिख के देख लो साइड में। अच्छा मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना है, 3 मीन माइनस मीडियन होगा, ठीक है। नीचे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लो, फिर ये अपने आंसर शीट पे कैलकुलेट करना कोफिशिएंट। ये चीज क्लियर होगी ना, तो अगर माइंड में फॉर्मूला है तो देखते ही पता लग जाएगा कि पहले स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, नहीं तो साइड पे रफली लिख के देख लो, जो नहीं है पहले वो निकालो फिर कोफिशिएंट पे जाना। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कोफिशिएंट कितना है 20, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन कितना है 200 इनटू 100, ये कैंसिल हो गया, टू इधर मल्टीप्लाई हो जाके, सॉरी टू इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 40, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 40 आ गया, तो अब निकल जाएगा कोफिशिएंट, है ना इजी। मतलब आपको ये देखना है क्या मिसिंग है कोफिशिएंट के लिए, पहले वो निकाल लो, पक्का कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप निकाल पाओगे मिसिंग चीज, फिर आप कोफिशिएंट पे जाना, आप निकालो वैल्यू, क्या फॉर्मूला होता है मीडियन वाला, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना है मेरे पास, दैट इज 200, मीडियन कितना है 170 अपॉन दैट इज 40 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, सुपर इजी है, 3 इंटू 30 अपॉन 40 ये वैल्यू गई, 9 अपॉन 4 दैट विल बी आर आंसर, तो 9 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, आंसर आ रहा है हमारे पास 2.25, ये इसका स्क्यूनेस का कोफिशियंट है। तो अगर आपको फॉर्मूला माइंड में क्लियर है, जो मिसिंग है पहले वो निकाल लो, फिर वहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसको हमेशा स्टार नेमिंग दे देते हैं जो भी हम निकालते हैं, और जब वहाँ पुट कर रहे होते हैं तो यहाँ मेंशन जरूर करते हैं कि हम स्टार में जो निकाला ना, यूजिंग स्टार, कि जो स्टार में निकाला वही वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, बस हो जाता है क्वेश्चन। बोलो डिफिकल्ट है स्क्यूनेस, नहीं ना, ऐसे ही बना रखे कि मैम डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आराम से चीज़ देखो, क्लियर है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस, तो मेरे को कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है 10%, है ना, आगे क्या दे रखा है 10%, वेरिएंस इज 36, वेरिएंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वेरिएंस 36, फाइंड द मीन एंड मोड, मुझे मीन निकालना है और मुझे मोड निकालना है। देखो हम जब क्लास में आए, मतलब जब कार्ल पियर्सन स्टार्ट करने लगे, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया क्या होता है, ठीक है, मैंने मीन के फॉर्मूला कराए, क्वेश्चंस करने स्टार्ट किया, मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बताया कि सीवी क्या होता है। आगे देखो, अब मुझे वेरिएंस दिया गया है, वेरिएंस क्या होता है ध्यान समझना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो कैसे निकलता है, ध्यान से, वेरिएंस के अंडर रूट से निकलता है, ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वेरिएंस के अंडर रूट, तो वेरिएंस कोई बाहर से नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फैमिली का ही पर्सन है, लेकिन कैसे निकाला जाता है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वेरिएंस को एक फ्लैट लेके दो, ये चीज़ याद रखना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वेरिएंस को क्या लेके देना पड़ेगा, एक फ्लैट
फ्लैट लेके देना पड़ेगा, मतलब उसको छत देनी पड़ेगी, मतलब उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो वेरियंस दिया हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो हमने आज की क्लास में मीन के तीन फॉर्मूलास, स्टैंडर्ड डेविएशन के तीन फॉर्मूलास ये तो सीखे थे। फिर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सीखा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है? सेवंथ। क्यों? क्योंकि तीन फॉर्मूला मीन के सीखे, तीन फॉर्मूला हमने सीखे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के, ये सेवंथ फॉर्मूला सीखा है। और एट्थ फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो वेरिएंस के अंडर रूट से निकल जाता है। आज की क्लास में ये एट फॉर्मूलाज ऐसे सीखे जो पिछले चैप्टर्स के हैं, वो कोफिशियंट ऑफ जो स्क्यूनेस के सीखे वो इन्हीं चैप्टर्स के, उनको मैं काउंटिंग में नहीं ले रही। ये आठ फॉर्मूला ऐसे हैं जो पहले किसी चैप्टर में किए थे, बट हमें याद है नहीं है कोई बात नहीं, हमने ये आठ अगर फॉर्मूला सीख लिए चैप्टर बहुत स्मूथली हो जाएगा। ये आठ के आठ फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला शीट पे भी लिख लो और अपने नोट्स में भी लिख लो, क्लियर हो गई चीज, ये आठ फॉर्मूला से काम बन जाएगा। अब आगे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मीन निकालना है, और क्या निकालना है? मोड अभी निकाल लेते हैं। मुझे दिया क्या गया है? ये हमें कोफिशिएंट दिया गया है और ये हमें दिया गया, ठीक है। अच्छा वेरिएंस है, वेरिएंस से क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। सीधी सी बात है क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना, नंबर वन स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। वेरिएंस कितना है? 36। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 6 आ गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन में क्यों निकाल रही हूँ? अरे मेरे पास कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट का आंसर है, और कोफिशिएंट में स्टैंडर्ड डेविएशन पक्का लगता है, और मुझे वेरिएंस दे रखा है, तो कहीं ना कहीं घूमते 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 मुझे चाहिए होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रख लिया। तो इसने तो अपना काम कर दिया, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। अब फिर ये क्या देगा मुझे? ध्यान से देखो, सेकेंड मेरे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6। यहाँ पे क्या रहेगा? मीन इनटू 100, और ये मुझे 10 दे रखा है। तो यहाँ से अगर वैल्यूज देखी जाए तो ये क्या बनेगा? मीन इज इक्वल्स टू 6/10 × 100। ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया? डिवाइड। ये क्या हो गया? कैंसिल। मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। बात समझ आई? इसमें दो चीजें यूज होती है फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। कोई एक मिसिंग हो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, मीन भी नहीं है, तो कुछ नहीं निकल सकता। एक मिसिंग हो बाकियों से दूसरा निकल आता है। इसके लिए ना स्टैंडर्ड डेविएशन था ना मीन था, कुछ ना निकलता। तो पहले इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ से मीन की वैल्यू निकाली। तो मीन चाहिए था, मिल गया। कितना आया? दैट इज मेरे पास 60 आया ना, 60 आ गया। अब मोड कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं। हमें थर्ड चीज क्या दी गई है? कोफिशिएंट दिया गया है। तो थर्ड चीज से हम काम करते हैं। मुझे कोफिशिएंट कितना दिया गया है? 0.5। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, मैम कुछ भी लग रहा है, मैम कुछ भी यूज हो रहा है। नहीं, अगर हमें अच्छे से फॉर्मूलाज आते हैं, हमने एक ऐसा गेम खेलना है जिससे एक से दूसरे से तीसरी वैल्यूज निकलती जाए। पहले यहाँ पे अच्छे से चीजें समझो, मेरे साथ क्वेश्चंस करो। अभी तो स्टार्ट हुए क्वेश्चंस, धीरे 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 आपको खुद आइडिया लगने लगेगा। अच्छा वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से तो मेरा मीन निकल जाएगा। मीन भी आ गया, मेरे पास कोफिशिएंट भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। अरे मोड तो निकल जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला से। ऐसे आपके माइंड में अपने आप चीजें बैठने लगेंगी अगर आराम से ध्यान से चीज समझोगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, मीन कितना है मेरे पास? मीन इज दैट इज 60 माइनस मोड मेरे को निकालना है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पास कितना है? 6। ये मेरे पास 0.5 दे रखा है। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे? रब कर दूं ना, चलिए अब कर देते हैं। आप कैलकुलेट करके बताओगे क्या आएगा? 0.5 इधर है, इज इक्वल्स टू मीन कितना है? 60, मोड मुझे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल, और ये 60 माइनस मोड, यहाँ से मोड की वैल्यू बोली जाए तो कितनी आएगी? ध्यान से देखो, 0.5 × 6 − 60, ये प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, इसके वाला माइनस एज इट इज। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ, जल्दी से। अब ये गलती मत करना कि पहले इसको माइनस कर दो, नहीं, बोर्ड मास क्या कहते हैं? पहले मल्टीप्लाई करो। तो 0.5 इंटू
into 6 कर देते हैं, that will be 3 आ जाएगा, 3 minus 60 is equals to minus mode आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 minus 60 का मतलब minus 57, minus mode आ जाएगा, ये cancel हो गया, 57 क्या आ गया, mode आ गया, board master कहते हैं कि पहले आपके पास division, फिर multiplication, फिर addition, फिर subtraction, ऐसे चीजें चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले हमें minus नहीं करना, पहले इन दोनों को क्या करना है, multiply करना है, फिर subtraction करनी है, तो mode की value कितनी आ गई, 57, यहीं पे ये वाला question खत्म हो गया, तो अगर आपको सबके formulas पता है, किसमें क्या-क्या होता है, किससे मैं क्या-क्या निकाल सकता हूँ, अपने आप चीजें linked करती जाएंगी, बस practice मेरे साथ करते रहो, ये मत सोचो मैं कुछ भी होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, पहले-पहले ऐसे ही लगता है, इसमें value डाल रहे हैं, उसमें value डाल रहे नहीं, अगर आप आराम से चीज समझ लो, patience रखो, ये chapter easy है, अगर आप आराम से ध्यान से देखो, इससे तो ये निकल नहीं सकता था, आपको लगता है ना इससे पहले शुरू कर लो, करके देखो, कहीं ना कहीं रह जाएगा, आपके पास कुछ है ही नहीं, ना मीन है, ना मोड है, ना आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे क्या ही कर लोगे, इसमें तीनों चीजें चाहिए होती है, मीन मोड भी चाहिए होता है, मीडियन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, कुछ है ही नहीं, क्या कर लोगे, इससे भी क्या कर लोगे, ना स्टैंडर्ड डेविएशन है, ना मीन है, यही सबसे सीधा साधा है जो हमें फटाफट स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, इसकी हेल्प से इसने मीन दे दिया, इसकी हेल्प से इसने मोड दे दिया, ऐसे चेन बनती जाएगी, सो इसी के साथ आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हो गए, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, हम कल भी कार्ल पियर्सन्स के ही क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ आपको फॉर्मूला और थोड़ा बहुत हिंट दिया क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, कल आपको टेबल्स मिलेंगे उनसे निकालना है स्क्यूनेस के कोफिशिएंट, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी और करेंगे, वो हम कल की क्लास में चीज सीखेंगे, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि कब कब कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी, अगर आज डाउट्स रहते भी हैं तो अगली क्लास पूरी डेडिकेटेड होगी इन क्वेश्चंस को ही, अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।